hello student welcome to my channel educational buddha my name is hemant rana and today we will discuss the chapter number eight who is heavier of ncrt textbook of class third math magic and this video is useful for all cbsc school like kendri vidyalaya's and this is the part second of this chapter, and here we are, we are going to discuss the page number 116 and 117. So let us start. Page number 116 double her weight. Kunjama's parents have a different way of celebrating Independence Day because Kunjama was born that day. They buy sweets double of Kunjama's sweet and distribute them among poor peoples. Here you can see the Kunjama on the pen one pen. द स्वीट्स डबल ऑफ हेट एंड विल डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट अमोंग दुअर पीपल वो कुंजमा का जितना वेट होता था उसकी डबल स्वीट्स को खरीदते थे और पुअर पीपल को बेचते थे वेन कुंजमा वॉज बॉर्न सी वॉज थ्री के जी जब वो पैदा हुई थी तब उसका वेट था थ्री के जी टूडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्मा इज फाइव ईयर्स ओल्ड सी इज़ ट्वेंटी एट के जी नाव एंड नाव कुंजम्मा इज फाइव ईयर्स ओल्ड एंड वेट इज ट्वेंटी एट किलोग्राम आज वो पाँच साल की हो गई हैं और उसका जो टोटल वेट है वो ट्वेंटी एट के जी हो गया है

और इसको हमें कंप्लीट करना है कुंजमास वेट वाज थ्री के जी एट द टाइम ऑफ बर्थ जब वो पैदा हुई थी तब उसका वेट थ्री के जी था एंड डबल ऑफ हर वेट दैट मींस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स के जी हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दुअर पीपल जब वो पैदा हुई थी तब उनके मदर फादर ने सिक्स के जी जो स्वीट्स थी वो पुअर पीपल को दी होगी नाउ वन ईयर वेट ऑफ कुंजमा इज नाइन के जी सो द डबल ऑफ नाइन के जी इज नाइन प्लस नाइन इज इक्वल टू एटीन के जी इन थर्ड लाइन आफ्टर टू ईयर्स ऑफ कुंजमा अमाउंट ऑफ स्वीट्स दिया गया है थर्टीन प्लस थर्टीन इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स के जी

थ्री इयर्स ओल्ड वेट इज सेवेंटीन के जी एंड डबल सेवनटीन प्लस सेवनटीन इज इक्वल टू थर्टी फोर के जी एंड फोर इयर्स ओल्ड वेट एंड अमाउंट ऑफ स्वीट आर नॉट गिवन कुछ भी नहीं दिया गया है वी हैव टू गैस द वेट हमें गैस करना पड़ेगा कि उसका वेट कितना होगा सो लुकअर एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ th uh, three years, इयर्स weight वेट इज सेवेंटीन के जी एंड नाउ टू डे इज इंडिपेंडेंस डे एंड सी कंप्लीट इट इज फाइव इंड वेट इज ट्वेंटी एट तो थोड़ा सा हम अगर दिमाग लगाएंगे तो ये तो पता चल जाएगा कि 17 और 18 के बीच का नंबर होगा यहाँ पे फोर चार साल की हुई होगी तब उसका वेट मोर देन 17 के जी एंड लेस देन 18 केजी रहा होगा तो 17 और 18 के बीच का अगर कोई भी नंबर हमें पता करना है तो हम थोड़ा गैस करके पता कर सकते हैं कि उसका वेट है वो 21 टू 23 के आसपास रहा होगा तो हम यहां पे 21 गैस कर रहे हैं तो व्हाट इज द डबल ऑफ 21 21 प्लस 21 इक्वल्स 42 केजी And at five years, how weight is 28 kg, and double out 28 is equals 28 plus 28 is equal to 56 kg. Okay, next topic, page number 117 Yum Yum Rice. Sugoto heard about a new dish on the radio he wants to try making it when he notes down how to make it he gets confused this is what he notes down pour 2 spoons of water in the pot boil the water and add one pinch of dal half kg red chili powder one ball salt now put a spoon of rice add 2 peas and 8 glasses of mustard seeds finally add 1 kg of onions mix everything and boil for 15 minutes here you can see सुगंधो हर्ड अ डिश ऑन द रेडियो रेडियो पे उसने एक डिश के बारे में सुना एंड ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट वेन ही नोट डाउन हाउ टू मेक द डिश ही गेट्स कंफ्यूज वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि क्या करना है कि इसमें कितनी चीज एड करनी है एंड ही यू कैन सी वॉट ही नोट डाउन इन हर नोटबुक पोट टू स्पून ऑफ वॉटर इन द पॉट ओनली टू स्पून दो चम्मच पानी पॉट में डालो अब दो चम्मच से तो कोई खाना बनेगा नहीं इट इज नॉट पॉसिबल टू कुक फूड स्पून ऑफ दो चम्मच पानी से कुछ भी खाना कैसे बना सकते हैं दैट मीन कि यहां पे उसने कुछ मिस्टेक की है नेक्स्ट द वॉटर एंड एड वन पिंच ऑफ दाल दैट मीन्स

वन बॉल ऑफ सॉल्ट पूरा बॉल भर के नमक कौन डालेगा कितना नमकीला खाना हो जाएगा खा भी नहीं पाएगा कोई वन मोर टाइम ही गेट्स कंफ्यूज नाउट स्पून ऑफ राइस ओनली वन स्पून ऑफ राइस क्या बना पाएंगे हम नथिंग कुछ भी नहीं बना पाएंगे हम इतने राइस से कुछ बनता नहीं है अगेन ही गेट्स कंफ्यूज एंड टू पीस ओनली टू पीस दो मटर कुछ नहीं बनेगा एंड एट ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स एट ग्लासेस आठ ग्लास भर के मस्टर्ड सीड्स करना क्या चाहता है ये मतलब फिर से कंफ्यूज हो गया वो फाइनली एड वन के जी ऑफ ऑनिय वन के जी ऑफ ऑनियन एड करना है यहां पर भी कंफ्यूज हो गया एंड लास्ट ही नोट इट डाउन मिक्स एवरीथिंग एंड बॉइल फॉर फिफ्टीन मिनिट्स उसने नोट किया है कि फिफ्टीन मिनिट्स तक बॉइल करो मिक्स करने के बाद बट ही गॉड कंफ्यूज वो कंफ्यूज हो रहा है कि करना क्या है क्योंकि उसने जो भी जो जो भी चीज चाहिए, उनकी जो amount लिखी है वो सारी सारी की सारे गलत लिखी है जी रेड चिली पाउडर वन बॉल सॉल्ट स्पून ऑफ राइस टू पीस एट ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड एंड वन के जी ऑफ ऑनियस एवरीथिंग इज रॉन्ग सारा का सारा जो अमाउंट उसने लिखा है पूरा का पूरा गलत नोट डाउन किया है नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बट तो फील्स देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरीथिंग सुगंधो रियलाइज देर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट ऑफ एवरी थिंग जितनी भी चीजें चाहिए ये डिश बनाने के लिए उसका जो अमाउंट लिखा है वो सारा का सारा गलत लिखा है हेल्प हीम मैच द थिंग्स विथ द राइट अमाउंट फर्स्ट थिंग इज राइस दाल पीस वॉटर ऑनियन सॉल्ट मस्टर्ड सीड्स

फर्स्ट इज राइस तो राइस कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे हमें ओके ये सारी की सारी चीजें देख के तो लगता है कि राइस की ही कुछ चीज बन रही है चाहे वो चावल है भात है या खिचड़ी है या पुलाव है कुछ भी है राइस की ही बन रही है तो सबसे ज्यादा तो राइस ही चाहिए हमें देट मीन्स वन के जी राइस ओके दाल हाफ के जी दाल पीस कितने चाहिए हमें स्पून में तो आएंगे नहीं स्पून में नहीं आएंगे पिंच नहीं आएंगे टू तो चलेगा नहीं ग्लास भर के तो चाहिए नहीं दैट मीनस वन बॉल ऑफ पीस वाटर स्पून स्पून पिंच एंड टू तो वाटर होगा नहीं दैट मीनस एट ग्लासेस ऑफ वाटर ऑनियन ऑनियन भी स्पून स्पून और पिंच में नहीं आएगी दैट मीनस टू ऑनियन सॉल्ट सॉल्ट सबसे कम डलता है खाने में क्योंकि अगर ज्यादा डाल दिया तो नमकीला हो जाएगा और सबसे यहाँ पे कम क्या है वन पिंच एक चुटकी नमक वन पिंच ऑफ सॉल्ट नेक्स्ट मस्टर्ड सीड्स एंड रेड चिल्ली पाउडर चिल्ली पाउडर थोड़ा ज्यादा डलेगा मस्टर्ड सीड्स कम डलेंगे दैट मींस वन स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड 2 स्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर Okay, this is the end of part 2nd, chapter number 8, who is heavier. Thank you for watching my video. If you like my video, then subscribe my channel and do not forget to comment and also like the video. And part 3rd of this chapter will be uploaded soon. So keep watching.